हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के एक और काफी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे जोस ब्रोलिन के बारे में, बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। तो सबसे पहले जोस ब्रोलिन ने रिवील करा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है मार्वल के साथ 10 साल तक, यानी कि फ्यूचर मार्वल फेज 4 में जोस ब्रोलिन हमें 10 साल तक देखने को मिलेंगे। अब आपका मन में सवाल होगा कि जब थैनोस मर चुका है तो इनका फ्यूचर में रोल क्या है। तो आप जानते हो कि डिज्नी फॉक्स मिल चुकी है और अभी भी वो केबल का रोल प्ले कर रहे हैं, और देन एमसीयू के साथ जब उनका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो मार्वल पागल थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो सोच समझ के उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। तो 10 साल तक वो इन फ्यूचर कोई विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। अब जब अपडेट आएगा तो आपको मैं 100% अपडेट जरूर दूंगा। उसी के साथ डार्क फोनिक्स का एक नया लुक लॉन्च हुआ है काफी खतरनाक, जिसमें कि वो एक आदमी को तबाह कर रही है बुरी तरीके से। तो ये डार्क फोनिक्स हमें देखने को मिली थी एक्समैन 3 में। उसी के साथ टेस्ट स्क्रीनिंग में कास्ट ने डाला एक बिहाइंड द सीन इमेज, जिसमें कि वो डार्क फोनिक्स को देख के काफी ज्यादा खुश हैं। उसी के साथ एक्सक्लूसिव एंटरटेनमेंट ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के 2 लुक निकाले, उसी के साथ एक लुक निकाला चाइना ने। तो ये लुक में ही हमें मिस्टीरियो का बहुत ही कमाल का सूट नजर आ रहा है, जिसमें लाइटिंग जल रही है और वो स्पाइडरमैन से हाथ मिला रहे हैं। तो उसके ऊपर काफी सारे जोक्स भी बन रहे हैं, जो कि काफी इनक्रेडिबल है। देन उसी के साथ स्पाइडरमैन का बैक सीन भी ज्यादा अच्छा के लिए नजर आ रहा है। और उसी के साथ एवेंजर एंड गेम को A+ सिनेमा स्कोर मिला है, ऑडियंस का काफी अच्छा रिएक्शन चल रहा है, जैसा कि आप सबको पता होगा। देन एवेंजर एंड गेम मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, आप सबको पता ही है। तो हर एक कास्ट बिहाइंड द सीन इमेजेस डाल रही है, जिसमें फ्रीलांसर हमारी क्रिस एवांस, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, हर कोई कुछ ना कुछ डाल ही रहा है। उसी के साथ जुमांजी 3 की एक नई बिहाइंड द सीन इमेज देखने को मिली है, जो कि कर्लिन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे डाला है। क्रिस एवांस ने फैंस को थैंक्स बोलते हुए काफी अच्छा ट्वीट करा, और वो काफी ज्यादा खुश भी है फैंस के नाते, क्योंकि सबसे ज्यादा फैंस ने रिस्पॉन्स दिया है। जेम्स गन ने सुसाइड स्क्वाड की स्टोरी बोर्ड डाला है, वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि आगे क्या करें। उसी के साथ जॉन सीना कंफर्म हो चुके हैं फास्ट एंड फ्यूरियस में, और उसी के साथ कंफर्म हो चुके हैं सुसाइड स्क्वाड में, उन्होंने ये बात खुद बोली। देन उसके साथ एक नया अपडेट है काफी कमाल का, कि इन फ्यूचर शायद वो स्टार वॉर्स सीरीज में काम कर सकते हैं, रूसो ब्रदर। देन बॉल्टन मैन का एक नया लुक नजर आया सामने, जो कि टॉयज के दौर पर आया है, और इसके साथ एवेंजर एंड गेम का कौन सा पार्ट नजर आया, जिसमें कि वो आउटराइडर से लड़ते नजर आ रही हैं। और देन काफी खतरनाक सीन है, अगर आपको ये में देखनी है तो मेरे फेसबुक पेज पर डली हुई है। उसी के साथ माइकल, जो कि एवेंजर एंड गेम में काम कर चुके हैं, और अब वो फार फ्रॉम स्पाइडरमैन मूवी में अपना नया साउंड ला रहे हैं। देन उसके साथ BTC बैटमैन मूवी का, जिसमें कि बेन अफ्लेक खड़े हुए हैं, काफी कमाल का लग रहा है सीन। सोनिक का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, आप जाके देख सकते हो अभी भी, और उसका एक पोस्टर लॉन्च हुआ है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। देन उसी के साथ एक और बिहाइंड द सीन इमेज कैप्टन मार्वल मूवी का, जिसमें ब्री लैंसर एकदम बिल्कुल परफेक्टली लग रही है। और फैंटास्टिक बीस्ट यानी हैरी पॉटर के फैंस के लिए खुशखबरी है कि ये मूवी रिलीज होगी 2021 में, तो काफी अभी टाइम है, पर मूवी बहुत खतरनाक होने वाली है। देन उसके साथ एंटमैन के कास्ट को कंफर्म कर लिया गया है सुसाइड स्क्वाड मूवी में, देखते हैं कि इनका क्या रोल होगा, पर ये एक विलेन का रोल प्ले करने वाले हैं। उसी के साथ एक BTC इमेज लॉन्च हुआ वंडर वुमन का, तो ये सही लग रहा है, और कॉस्ट्यूम में थोड़े चेंजेस करे हैं इस बार DC ने। उसी के साथ एक सीक्रेट कैमियो हावर्ड द डक का, पीछे आप देख सकते हो, तो एवेंजर एंड गेम में बहुत बड़ा कैमियो था हावर्ड डक के लिए। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देखो, या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।